यूपी के महाराजगंज पनेरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भवानीपुर निवासी राम मिलन यादव ने गांव में सचिव और ग्राम प्रधान की मनमानी व धांधली को लेकर गुरुवार को ब्लॉक परिसर में स्थित रोड पर बाइक खड़ी कर धरने पर बैठ गए, जिससे थोड़ी देर के लिए ब्लॉक का माहौल काफी गर्म हो गया। धरना प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंचे पनेरा ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश शुक्ला ने धरना प्रदर्शन कर रहे युवक को समझा बुझा कर स्थिति को संभाला। ब्लॉक प्रमुख द्वारा मामले की जाँच कराने के आश्वासन के बाद धरने को समाप्त कराएगा। शिकायतकर्ता ने बताया, ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्यों में अनियमितता की जांच, गांव में दो सालों से तालाब बंद, शौचालय को चालू कराने, बंद ग्राम सचिवालय में संबंधित अधिकारियों को बैठने की मांगों को लेकर जिले के उच्च अधिकारियों को बीते 13 मार्च को शिकायत पत्र दिया गया, लेकिन सचिव ने सभी मामलों में गलत रिपोर्ट लगाकर शिकायतों का निस्तारण कर दिया। गांव में तैनात जिस सचिव के खिलाफ शिकायत की गई थी वही उसकी शिकायत की जांच कर रहे थे, तो भला कैसे निष्पक्ष जांच होगी। किस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा था? आज भवानीपुर के एक युवक ने यहाँ धरना देने का प्रयास किया था, उनको कुछ अपने गांव सभा के विकास कार्यों को लेकर के कुछ समस्याएं थीं, उन समस्याओं के समाधान को लेकर के हमने संबंधित उनके ज्ञापन पर संबंधित अधिकारियों का जो है एक टीम बनाया है, उसकी जांच कराई जाएगी। उस जांच के बाद जो आवश्यक कार्रवाई हो सकती है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पता चला है कि वो समाजवादी पार्टी से संबंधित युवक था, हो सकता है कि किसी पार्टी विरोधी कारणों से भी वो युवक शिकायत कर सकता है, तो शिकायत पर जांच के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। अगर कोई शिकायत का साक्ष्य कुछ इस तरह से साबित हुआ तो निश्चित जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की संकल्पना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के इस उद्देश्य से हम लोग आगे काम कर रहे हैं। आज हमारे पार्टी का 44वां स्थापना दिवस था, इस अवसर पर हम लोगों ने सुबह ही सभी मनुष्यों को जो पार्टी को मजबूत और सक्रिय करने के लिए अपना योगदान दिया है उनको हम लोगों ने याद किया, अपने पार्टी का झंडा फहराया विभिन्न बूथों पर जा करके, और उसी के क्रम में आज हम लोग एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत कि जो कल्पना है प्रधानमंत्री जी की, उसी का संदेश दे रहे हैं। और निश्चित ही योगी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा और विश्व गुरु फिर बनेगा।